तो गाइस फाइनली आपने गाड़ी को एट व्हील बनते हुए तो आज इतनी वीडियो में देख लिया पीछे वाली वीडियो में, बट आज हम इस एट व्हील को तोड़ फोड़ करने वाले हैं, वापस हटाने वाले हैं इसको बिल्कुल। और गाइस आपने एट व्हील के साथ इसको बड़ी प्यार से चलते हुए देखा, तो गाइस आज अब इसकी बारी है तोड़ने की। और जो इसके बाद में तोड़ने के बाद में जो भाई गाड़ी चलने वाली है ना, वो गाड़ी चलेगी अपने दो टायर पे। ठीक है गाइस, हम बताने वाले नहीं है, बट गाड़ी जो फोर व्हील है अपनी, ये देख लो अभी एट व्हील है, बट इन दोनों टायरों को हटाने के बाद, चार टायरों को हटाने के बाद में ये बन जाएगी फोर व्हील, और फिर गाड़ी को चलाने वाले हम सिर्फ दो व्हील के ऊपर। तो गाइस जो आगे वाली वीडियो आएगी ना, ये वाली वीडियो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। आप सोच सकते हो कि भाई दो टायर पर गाड़ी कैसे चलेगी, पर हम मैं बताने वाला नहीं हूँ ना, वीडियो देख के पता चलेगा आपको। तो हमारे साथ है दिलीप भाई कैमरामैन, आप आ जी। हाँ जी, कर दो शुरू। तोड़ने वाले इस गाड़ी को, ये तो भाई गाड़ी को कंप्लीटली हमने तोड़ना चालू कर दिया है। ये तो भाई हमने इसकी चड्डी चड्डी तो उतार दी है पीछे से, मतलब कि पीछे का जो ढांचा है वो तो हटा दिया है, और अब जो इसका व्हील है ये हटाने वाले हैं। तो बने रहो वीडियो हमारे साथ और लो वीडियो का मजा। गिलेटर बचा, निकलो यार। तो भाई जैसे हम खोल के लेके गए थे वैसे वापस खोल के ले आए, और इसी जनरेटर में वापस फिट करने वाले हैं इनको, और पीछे वाला जुगाड़ तो हो गया फ्री, और जो एंगल बची हुई है इस पर इसको हम हटाने नहीं वाले, इसमें भी एक जुगाड़ और लगाएंगे। और अब खोलते हैं इसका आगे वाला पार्ट। राइट गाइज, तो हमने पीछे वाले व्हील इसके हटा दिए हैं, देन अब आगे वाला हिस्सा हटाना है। उसके लिए हमें चाहिए गैस बत्ती, गैस कटर जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें गाड़ी लेके जानी पड़ेगी पुष्कर, और दिलीप भाई लेके जा रहे हैं गाड़ी को पुष्कर। और एक प्रॉब्लम और है इसमें, वो है इसके क्लच प्लेट की, वो भी हम नहीं डलवाने वाले इसमें, ताकि हमारा, मैंने आपको जो बताया था कि भाई इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं उसके लिए थोड़ी क्लच प्लेट नहीं ही चाहिए इसमें। तो ठीक है भाजी, आप करा के ले आओ कम्प्लीट, और फिर करते हैं वीडियो कंटिन्यू। भाई फोर व्हील में होने वाली है अपनी थार वापस से। और खुशी भी आ गई अपने स्कूल से। हाँ खुशी आ गई, आ जा आ जा आ जा। हाँ बाबू चलो, कैसा रहा आज के दिन? बढ़िया। खुशी तेरा? अच्छा। कितनी पढ़ाई करी? बहुत सारी कर ली। हाँ तो गाइस हमने गाड़ी को काम कराने भेजा था पुष्कर, तो भाई साहब उसमें लग गए दो दिन, क्लच का पूरा काम हुआ, क्लच प्लेट फ्रेशर प्लेट वगैरह सारे नए डलवाई, और आगे से जो अपनी सिक्स व्हील बनी हुई थी उसको हटा दिया है। अब अपनी गाड़ी आ गई वापस ओरिजिनल लुक में, वैसे इसका बम्पर हटा हुआ आगे से। और अब क्या करने वाले गाइस, हम इसके पीछे लगाने वाले हैं सीट, वो भी काफ़ी हाइट पे। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने पास ये अलग से चेसिस लगाया था हमने, एक्स्ट्रा चेसिस, इसको यहाँ से बेंड करके ऊपर करने वाले हैं और फिर लगाने वाले हैं यहाँ पे सीट। और भाई क्लच वगैरह का सारा काम करवा लिया हमने, फिर देखते हैं भाई इसको चला के कि भाई गाड़ी आगे से उठ के चल पाती है या नहीं, जस्ट लाइक साउंड की पिकअप वगैरह चलती है वैसे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यूँ ही आपका प्यार बनाए रखें।
हाँ तो गाइस इसे हमने ग्राइंडर से कर दिया है कट, और अब इसको करते हैं भाई ब्लेंड। बहुत है भाई इतना तो। लपड़ा हो गया भैया जी, ये पाटक बंद करना भूल गए हम, और इसको वेल्ड कर दिया भाई यहाँ पे। बट भाई है ना, चलो फाटक को तो हम कैसे भी एडजस्ट करके बंद कर देंगे। बाकी ये जो दोनों चैनल ऊपर होने के बाद में जो स्पॉइलर का लुक आएगा ना, काफ़ी शानदार आने वाला है। और इसको ऊपर होगी अपनी सीट, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे बैठने के बाद में अगर गाड़ी आगे से उड़ गई ना भाई, तो ख़तरनाक मज़ा आने वाला है। तो वो तो हो गया परमानेंटली वेल्ड, और इसको करते हैं भाई थोड़ा ऊपर उठा के, इसको भी वेल्ड करते हैं और फिर करेंगे इसके ऊपर सीट वेल्ड। तो भाई सुबह हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका एंड चेंज, जो कि हमने यहाँ पे दो मुंह वाला एंड लगाया था, वहाँ पे ये वापस से एक मुंह वाला एंड लगाना है। और पीछे का काम जो है, दोनों चैनल वेल्ड हो गए हैं प्रॉपर, और इस चद्दर को सेट करके यहाँ पे बनाएंगे एक छोटी सी पेटी, जिसमें हम मिट्टी भर सके ताकि पीछे से गाड़ी झुकी हुई हो तो आगे से उठने में ईजिली हो जाए गाड़ी को, और फिर उसके ऊपर हो जाएगी सीटें सेट। तो करते गए इसको कम्प्लीट, और पीछे ये जो पाइप है इसको इन दोनों के बीच में वेल्ड कर देंगे ताकि सपोर्ट अच्छा बना रहे, टूटने के चांसेस कम हो। तो गाइस हमने फाइनली ये दोनों ऊपर वेल्ड करने के बाद, ये एक आर्मी की टूल पड़ी थी हमारे पास, इसको यहाँ पे वेल्ड करके फिक्स कर दिया है। इसमें बनने वाले हम मिट्टी, ताकि इस पर वेट आ जाए और उसके ऊपर आ जाएगी अपनी सीट। और ये सीट का आर्म रेस्ट हो गया, हेड रेस्ट जिसे बोलते हैं हम पीछे के लिए। और वैसे तो काम में तो नहीं आने वाला, बट ये है लुक बढ़िया दे रहा है गाड़ी को। और अब है इस फाटक का लपड़ा, तो इस फाटक को हम खोलने वाले हैं, और उसके बाद में चल के इसमें मिट्टी भर के इसको चला के ट्राई करते हैं, इसको भर के गाड़ी को चला के ट्राई करते हैं, और फिर देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। हाँ तो गाइस अपना रफली जुगाड़ तो सेट हो गया है इस पर, और एक बार जाके इसमें वेट भर के छोटी सी ट्राई करते हैं कि भाई क्या सीन है, कितना वेट और चाहिए इसमें आगे से उठने के लिए और कितना नहीं चाहिए, उस हिसाब से चेक करके आते हैं और फिर करते हैं उसको फुल एंड फाइनल। चले भाई शुभम राजा। राइट गाइस, तो अब इसमें भर रहे हैं हम मिट्टी, और लगा दी गाड़ी को रैम के अंदर बैक, जहाँ से हम 12 कदम पर भरते हैं मजरी का। अब हम डाल रहे हैं भाई मिट्टी इसमें, डालते जाओ डालते जाओ। मिट्टी तो भर ली हमने इसमें, बट मुझे नहीं लग रहा भाई कि गाड़ी आगे से उठ पाएगी, बट एक बार ट्राई करते हैं, और नहीं होगा तो फिर अपने वाला जुगाड़ लगाते हैं। कच्चे में तो वहाँ पे टायर स्लिप मार रहे थे इसके, एक बार रोड पे ट्राई करते क्या सीन होता है, अगर आगे से उठती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज इसके पीछे और वेट डालेंगे 300 से 400 किलो तक, और फिर उठा के ट्राई करेंगे। तो अभी रोड पे देखते क्या सीन रहता है। हाँ तो बस गाड़ी की क्लच प्लेट जो है प्रॉपर काम कर रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीछे कम वेट होने की वजह से
आगे से नहीं उठ पा रही, तो इसमें दो चार मेजर चेंज करने के बाद मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।